का सुधार के भाग ही रहे आप? हम भाग रहे थे, जब हम लोग यहाँ आए तो। अरे भैया मेरे, ए बोलिए क्या बात है, तुम काम कर रहे हैं? कीजिए काम, जो करना है कीजिए। आपको नाम बताइए, आप कहल बताइए ना, बोलिए नाम बताइए, कहल नाम बताओ, क्या आपका नाम है, बताइए बताइए, आप कहल नाम बताओ, बुला रहे हैं तब हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रीन लाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं एक खबर की ओर। उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक नवीन कुमार पर सरकारी राशि हड़पने का आरोप। बच्चों के साथ गलत हरकत करते हैं शिक्षक, कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण आक्रोश। पलामू जिले के मनातू प्रखंड अंतर्गत डुमरी पंचायत के बेटा पथल उत्क्रमित मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक सह सचिव नवीन कुमार पर सरकारी राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले साल स्कूल में रंग रोगन के नाम पर राशि आवंटित हुई थी, लेकिन शिक्षक ने बिना रंग रोगन किए ही फर्जी वाउचर जमा कर पैसा निकाल गटक गए हैं। इस वर्ष भी स्कूल के रंग रोगन करने के लिए राशि सरकार द्वारा आवंटित की गई है, लेकिन इस बार भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक पैसा हड़पने की साजिश कर रहे हैं। विद्यालय में कई चौंकाने वाले मामले खुलासे हुए। विद्यालय ताला लगा हुआ है और बच्चे बरामदे पर बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। ग्रामीणों ने स्कूल के सचिव, सह शिक्षक समेत कई कर्मियों पर रंग रोगन समेत कई तरह की राशि गबन करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लॉकडाउन के समय बच्चों को देने के लिए सरकार ने कुकिंग कास्ट की राशि आवंटित की थी, जिसे स्कूल के शिक्षक डकार गए हैं। कई बच्चों को राशि मिली ही नहीं, कुछ बच्चों को आधी राशि दी गई है, कुछ ने विरोध किया तो उसे अनुपस्थिति दिखा दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय के सचिव नवीन कुमार अधिकांश दिन स्कूल से गायब रहते हैं, कभी कभार विद्यालय भी आते हैं तो वे समय से पहले ही स्कूल बंद करके चले जाते हैं। स्कूल के सभी तीनों शिक्षकों के भी मनमानी चरम सीमा पर है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक अपने मोबाइल पर व्यस्त रहते हैं और बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं। पढ़ाई के नाम पर बच्चों को शोषण किया जाता है। शिक्षकों के डर से कोई भी बच्चा कुछ बोलने से डरते हैं। स्कूल के बरामदे टूट चुके हैं, या यूं कहा जाए कि स्कूल भवन मरम्मत के अभाव में जर्जर हो गया है। ग्रामीणों ने शिक्षक पर स्कूली छात्राओं के साथ गलत हरकत करने का भी आरोप लगाया है। मीनू के अनुसार विद्यालय में MDM नहीं बनता है। इस संबंध में ग्रामीणों ने कई बार विभाग से लिखित शिकायत भी की है, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्रामीणों ने DC को भी आवेदन सौंपा है। ग्रामीण ने बताया कि स्कूल में प्रबंधन समिति और माता समिति का चुनाव गलत तरीके से किया गया है। कभी भी स्कूल में समिति के सदस्यों के साथ बैठक नहीं होती है। शिक्षक अपनी मर्जी से स्कूल का संचालन और पैसे की हेराफेरी करते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि जब भी किसी बात का विरोध करते हैं तो उन्हें गलत कैसे फंसाने की धमकी दी जाती है। पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार एवं शर्ट का कॉलर पकड़ने के साथ साथ गाली गलौज एवं जाति सूचक गाली गलौज मोबाइल लूटा गया। कुछ बोलने से विवश हुआ पत्रकार अनिल कुमार। शिक्षकों की काला करतूत एवं धमकी मोबाइल में सब रिकॉर्ड है। BEEO ने कहा मामले की होगी जांच। इस संबंध में जब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी परमेश्वर साहू से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मीडिया के द्वारा उन्हें जानकारी हुआ है, मामले की जांच कर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं शिक्षक इस मामले में कुछ बताने से साफ इनकार किया है। बोलो क्या नाम आपका? कंचन कुमारी। अच्छा, खाना खा लिया? हाँ। क्या बना था खाना में? दाल भात अचार। ए हेलो, कहाँ है? कहाँ है? बोलिए 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 कहाँ है? अरे कहाँ है? बहुत ही लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खरखा मत बने, वीडियो कर रहे हैं ना जी? अभी कर रहे हैं, कालर पकड़े हैं। हाँ, वही बोलेंगे। अभी दूर को खाली देखे थे, कालर पकड़े हैं जो सर। क्या बोल दीजिएगा, हमारे यहाँ आए हैं तो। इस खबर में बस इतना ही, बने रहे ग्रीन लाइन न्यूज के साथ।